जय जिनेंद्र राज, जय भोलेनाथ। दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मार्केट जितनी रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतनी बड़ी नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको मैंने जो सुबह कॉल दिया है 99 पे, वो कहाँ पे खड़ा है? 116 पे, ठीक है। ये मेरा मानना है, ये वाला कॉल अगर आप में होल्ड करने की ताकत है, आपको डरना नहीं चाहिए रोज़ के ऊपर नीचे से। डरना तब है जिस दिन 16800 के नीचे क्लोजिंग करे, वो भी 2 दिन, 2 कंटिन्यूअस डे 16800 के नीचे क्लोज करे, तब जाके बाजी पूरी की पूरी बियर्स के हाथ में आ जाएगी। तब तक बाजी बुल्स के हाथ में है। एक या मैक्सिमम कल कल तक खराब रहेगा मार्केट, मैक्सिमम। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम। आज भी हो सकता है लास्ट में कुछ भी कर दे, लेकिन अगर 17,000 के ऊपर भी आज क्लोज कर दे तो बहुत बड़ी जीत होगी। लुकिंग कि आज भी 10% रशिया का मार्केट एडिशनली गिरा है, उसके बावजूद हम सिर्फ 250 पॉइंट माइनस है। दिस शोज कि हमारे मार्केट में इतना पैनिक नहीं है। तो यहाँ आपको मार्केट ने मौका दिया है, जिसको बाई करने की इच्छा हो। आप देखो, आज 851 का लो बनाया है फ्यूचर में, या स्पॉट का बात करते हैं, बिल्कुल कॉल के थ्रू, कोई भी फ्यूचर के थ्रू नहीं। देखिए, आप सुबह का 843 का लो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, सुबह का। ये बहुत बड़ी जीत है मार्केट की, और अभी तक इस मंथ का लो भी टेस्ट नहीं हुआ है। इस मंथ का लो 809, जो कि वैलेंटाइंस डे के दिन आया था। तो यहाँ समझदारी आपको यही दिखाना है, और मैं बोलता हूँ ये 800 के नीचे भी एक क्लोजिंग इसके लिए काफ़ी नहीं है। सेकेंड क्लोजिंग पे आप मान लेना कि खल खेल खत्म। मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट इसी मार्च में, जो मैं मार्च के कॉल दिखा रहा हूँ, 18 नहीं, 18 से 18.5 भी मार्केट आएगा, ये आप देखोगे। क्योंकि आज मार्केट वर्ल्ड मार्केट के कारण से अपना जो है ना, अपने यहाँ इतनी बड़ी महंगाई है। ये सुबह जो लो बनाया, आप खुद देख लो, ये सुबह जो लो बनाया ये आज अभी तक तो इंटेक्ट है, ठीक है, इंटेक्ट है। और उसके बाद ये 14 तारीख का जो लो है, ये वाला, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, ये 14 तारीख है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक राउंडिंग टॉप जरूर बनाया, एक एक सर्कल मार के आ गया है। लेकिन जब तक इस 809 के नीचे, यानी कि 800 के नीचे 2 क्लोजिंग नहीं करे, प्लस मैंने जो चार्ट दिखाया वहाँ पे भी सपोर्ट पे है मार्केट, ये याद रखिएगा। कोई भी एक अच्छी न्यूज़ मार्केट को सीधा 300 पॉइंट खींचेगी, याद रखिएगा। बैड न्यूज़ मार्केट सारी इम्पैक्ट कर चुका है, सब कुछ को फैक्टर्ड इन कर चुका है, चाहे वो रेट, फेड की रेट हाइक की, मार्केट में सब कुछ इम्प्लीमेंट हो चुका है। और आज अमेरिकन मार्केट एक दिन की छुट्टी के बाद खुलेगा, भले ही डाउ फ्यूचर्स अभी क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं। कल भी डाउ जोन्स फ्यूचर गिरा हुआ था, तो 34,080 से मैं काउंट करूँगा। तो डाउ जोन्स फ्यूचर एक्चुअली देखा जाए तो 423 पॉइंट ये दिखा रहा है, 34,080, ठीक है। तो ये 500 पॉइंट के लगभग डाउन है, लेकिन ये हो सकता है रात में इसमें कुछ चमत्कार हो जाए, ये याद रखिएगा। तो मार्केट गिव अप करने के मूड में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मुझे कुछ भी मानते हो तो यहाँ बाइंग करने के लिए मार्केट ने एक आपको लॉटरी दी है, चाहे गिफ्ट दी है, कुछ भी समझ लो। कोई भी चीज़ आप देखो, अपने लोअर स्तर से ऊपर चल रही है। आप देखो, ये बजाज फाइनेंस आज का लो कितना है, 6780, अभी चल रहा है 6890, यानी कि नीचे से 110 पॉइंट खींचा ना। इसका मतलब आज वो लोग बाई कर रहे हैं जिनको मौका मिल गया, क्योंकि गैप डाउन में क्या होता है, आपका पैसा ऑटोमेटिक घट गया, ऑटोमेटिकली घट गया। तो उन्होंने जो कल के भी शॉर्ट किए, वो भी उनको 200-300 पॉइंट नीचे मिल गए पॉकेट में। समझ में आया बात आपको? तो यहाँ उनकी बाइंग
आपको डरना कब है? जब 809 के नीचे आज क्लोजिंग आ जाए, और अगर आज 17,000 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो ये मार्केट की बहुत बड़ी जीत होगी लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस। मुझे इतना समझाना था, मैंने समझा दिया। जय जिनेंद्र, जय भोले।